मेरे चैनल प्रेम सखी ममता शर्मा पर सबसे पहले भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आप सबकी महान कृपा। बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। सात संगत को प्रणाम। सात संगत जी, आज हम अपने सब भाइयों के साथ खेतों में घूमने आए। देखो कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली, धान, पेड़, बाजरा, मक्का, जने क्या क्या यहाँ पर है। और पास में शमशान घाट भी है। और समय आए तो जाओ फूंक दो जाके। इसलिए दुनिया में, संसार में बहुत पास में कर दिया शमशान घाट। गंगा आपके पास जाने की जरूरत ही नहीं, ले जाओ भाई फूंक दो। जिंदगी में, संसार में हमको आपको भी जाना है परमात्मा के यहाँ पर। जाने से पहले हरि परमात्मा के गुण गाते जाएं। हमारे संदीप भाई हैं तो इनसे कुछ कहेंगे। कुछ कहें, आपने हरि जी के चरणों में क्या पाया? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ महातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सात संगत, हरि के चरणों में चुनने से हमने बहुत कुछ पाया जिसकी हम मुख से व्याख्या नहीं करते। और आज दीदी हमारे मध्य हैं, बीच हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि दीदी हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया भैया, क्या नाम भैया? भुवनेश भैया, आपने परमात्मा के चरणों में गए, देखा, जाना, पहचाना, क्या पाया? बहन जी, हमने तो बहुत कुछ पाया है। और परमात्मा से विनती है हमें दर्शन देते रहे हैं और आप सभी के दर्शन होते। अच्छा, दुनिया वाले अफवाह उड़ा रही, निंदा चुगली कर रही है, तब भी आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल। आखिरी सांस तक कोई आपको पागल कहेगा तो बुरा नहीं है? नहीं पागल होंगे। कोई आपसे कहेगा ढोंगी तो भी परवाह नहीं है? कोई भुवनेश भैया, कोई आपसे कहेगा ये बेकार हो गया, पागल हो गया, अब नहीं माने, तब भी नहीं? तब भी नहीं। तब भी हरि को नहीं छोड़ने वाले? पक्की आत्मा। और अमन, आप नमन, आपने परमात्मा के चरणों में गए हो, जुड़े हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। हरि के सेवा कोई है? नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे सात संगत को, क्या संदेश देना चाहोगे? हरि जी के चरणों में रहें और इन्हीं से, मतलब इनसे मिलें, प्रेम रहें। इनके सेवा संसार में कोई अपना नहीं, इन्हीं के चरणों में जुड़े रहेंगे, शांति मिले। ये है धनी राम बाबा। ये पूरी सब खा जाते 10-12, हमें खा नहीं पाती हूँ, ये सब खा जाते हैं। तो महाराज जी, हरि परमात्मा के चरणों में सात संगत में आए, भैया बहन बहुत प्यार दे रहे हैं। हरि जी के चरणों में आप गए भी हो, बहादुर नगर धाम गए हो, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। बहादुर नगर में इनको गाना भी गाया था। परमात्मा के चरणों में, चरणों की सेवा कहीं ठिकाना है? तो क्या कहना चाहोगे सात संगत से? बहुत अच्छे चाहिए कि हरि दर्शन देते रहे हमारे लाने, उनकी सेवा करते रहे। अपन ही बुराई से कोई सा मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कहे अपन खुश से क्या मतलब है। बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे दिल्ली वाले राजवीर भैया? सबसे पहले तो बहन जी, आप हमारे गांव में आई हमारे सौभाग्य है, ठीक है। और प्रभु जी से हम तो जब से जुड़े हैं तब से फायदा ही फायदा है, कोई घाटा ही नहीं है। बहुत सारा हमारे ये तन कब गायब हो जाता पता ही नहीं पड़ता, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी बनी थी। और क्या प्रभु के नाम से ही हमारी बीमारी खत्म है। और हमारे लिए आज भी प्रभु परमात्मा, पीछे भी तो और आगे भी नारायण हरि परमात्मा रहेंगे। हमारे लिए प्रभु परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे भैया राज भी छोटे? सत्संगत प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। जगत जननी माँ महातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। दीदी, आप यहाँ आई हमारे यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सौभाग्य की बात है जो कि आपके दर्शन हुए। हम तो यही कहना चाहेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा दर्शन देते रहें और संत भक्तों के दर्शन करवाते रहें उससे। और हमारे लिए नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन करने से इतने लाभ होते हैं दीदी कि उन्हें हम बखान भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्संगत जुड़े रहने की कीमत है, टूटने की कोई कीमत नहीं होती है। इसीलिए ये तो अफवाह तो उड़ाते रहते हैं, संसार के लोग हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ, लेकिन जिसे नारायण साकार हरि परमात्मा पर विश्वास है वो किसी की सुनता भी नहीं है और नारायण साकार हरि से प्रेम करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप क्या कहना चाहो, क्या नाम उनका? प्रेमचंद। आपका नाम बहुत बढ़िया है, प्रेम सिंह। प्रेम सिंह भैया बहुत अच्छे नाम है आपका, प्रेम करते हो। सबसे क्या कहना चाहोगे? जोर से बोलो, रोटी नहीं खाई। सभी से ये कहना चाहूंगा भाई और बहनों से कि नारायण साकार हरि के चरणों में ही प्रीत लगा के रखना। बाकी ये संसार वाद है तो झूठा मिला है भाई, ये तो आज है कल नहीं है, मगर ये संसार छूट जाए मगर नारायण साकार हरि के चरणों में। बहुत बढ़िया साध संगत जी, हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन की आप बीती सुनाई। इन्होंने कुछ भी कहा कि हमारे प्राण निकल जाए, और हम भी कहते हमारे कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमने नारायण हरि परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, हम उनको छोड़ने वाले जब तक तन में सांस रहेगी हमने जाना है, पहचाना है। जिन्होंने निंदा चुगली करी उनका तो नाश नहीं, सर्वनाश निकट भविष्य में होगा, पर जो परमात्मा की चरण शरण में है, जो हरि के चरणों में वचन मान के सेवा करते हैं, यहाँ भी सुखी रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद वहाँ भी सुखी रहेंगे। ये जीवन की सांसें कब कहाँ रुक जाए, पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हमारे भाई बहनों सब ने बहुत अच्छी आप बीती अपनी सुनाई, और हम हरे भरे खेत में आए, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ज़िंदगी में सबको एक दिन आज नहीं तो कल प्रभु के यहाँ जाना है, पर जाने से पहले परमात्मा के गुण गाते चलना। और हम दो लाइन का भजन गाएंगे, सभी हमारे साथ गाएंगे। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रास्ते में मिले कोई दीन दुखी, रास्ते में मिले कोई दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो, हरि जी ने जो सद ज्ञान दिया, हरि जी ने जो सद ज्ञान दिया, उनके बचनों पे चलते रहो, उनके बचनों पे चलते रहो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये कुत्ते भी आए कह रहे हैं, हाँ सही बात है, हमने हरि का भजन नहीं किया, हमें भी कुत्ता बनना पड़ा, तो कह रहे हैं प्रभु का भजन कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जीवन में हमेशा परमात्मा का गुणगान करते रहना, वो ही अपने थे, वो ही अपने हैं, वो ही अपने रहे, सभी आत्माओं को हमारा प्रणाम। सत्संग तो प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ माधेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी जय जयकार, नारायण साकार हरि की हो रही है, और भी होगी जगत में, संसार में और भी होगी। अच्छा ये बताओ पिताजी, परमात्मा नारायण हरि के दरबार में कितनी बार गए, क्या देखा? देखा प्रभु का कई बार रहमत देखी, प्रभु के सर पर हमने उतरा फिरा देखा, एक सेकंड में घूम के देखा तो उनके जुल्फे कड़ी हुई है, टाई बंधी हुई है। प्रभु ने कई चमत्कार दिखाए हमारे घर वालों को, हमको भी दिखाया। परमात्मा साकार हरि के दरबार में कभी कुछ लिया गया आज तक? प्रभु ने कभी किसी से एक धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं चढ़वाई है, प्रभु देते हैं, लेते किसी से नहीं है। परमात्मा साकार हरि परमात्मा ने कभी फूल दिया धूप बत्ती सोना चांदी चढ़वाया दान पात्र देखा उनके दरबार में? नहीं देखा। कभी कुछ नहीं देखा हमने, कई सत्य साथ देखे, प्रभु ने अपने नाम से कुछ नहीं दिया। ये धनी राम बाबा है, ये शहर सागर के है, और बीना के पास इनका मध्य प्रदेश में गांव पड़ता, हम गए बाबा, बहुत अच्छे हैं। बाबा तुमने क्या देखा हरि के दरबार में जब गए थे? हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो देखा हरि के दरबार में कि सही है और सही परमात्मा है, उनको कहना साकार हरि। और उनकी जो ऐसी अफवाह उड़ाई उनका क्या होगा? उनका सर्वनाश होगा। परमात्मा नारायण साकार हरि जगत के मालिक है, उन्होंने 20 साल तक मानव की सेवा करी है, और जो लोगों ने ऐसी भ्रांति फैलाई है, कुछ दूसरे किस्म के लोग आए, उन्होंने जहरीली स्प्रे डाली, और जहरीली स्प्रे डालने के बाद मां गड़बड़ सड़बड़ किया, खूब
परमात्मा को बदनाम करने की कोशिश करी, पर वो परम सत्ता हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। पर जिन्होंने किया उनका क्या होगा? कभी नरक में, घोर नरक में चैन नहीं पाएंगे। पर हरि के आज भी भक्त करोड़ों हैं जिनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, उम्मीद नहीं टूटी है, वो परमात्मा नारायण हरि को याद भी नहीं, तो क्या कहेंगे पिताजी? प्रभु की जांचें हो रही हैं, एक नहीं, दो साल, दस साल जांचें हूँ, प्रभु की जांचों में कुछ नहीं मिलेगा। एसआई की टीम ने तो जांच में, रिपोर्ट में कह दिया कि हरि जी का कोई दोष नहीं है, पर जिन लोगों ने ऐसा गड़बड़ किया क्या होगा उनका? उनका सर्वनाश होगा, द्विगुण हो जाएगा, उन्हें कई जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा। परमात्मा साकार हरि से जिन्होंने बैर किया उनका क्या हुआ? उनका नाश होगा, नाश होगा। क्या हुआ उनका? उनका द्विगुण हो गया, रावण ने बैर किया, सर्वनाश हो गया, कोई पानी देने वाला नहीं मिला, भैभीषण भक्त थे, आज तक उन्हें राम जला सोने की लंका फ्री में मिल गई। अच्छा, परमात्मा के दरबार में क्या देखा? बड़े बड़े चमत्कार देखे प्रभु के दरबार में, कभी बाल देखे, कभी नहीं देखे, कभी पीले देखे, कभी लाल देखे, कई कई रहमदा दिखाई प्रभु ने अपने सब सात संगत को, कला दिखाई सात संगत। आज तक हरि परमात्मा ने मानवता का पाठ पढ़ाया, आज तक हरि परमात्मा ने लाखों करोड़ों घर आबाद कर दिए, उनके वचन पे जो भी चला उनके जीवन में खुशियां, आनंद, परमानंद हुआ, और बुराइयां छोड़ दी, निंदा चुगली छोड़ दी, गलत काम छोड़ दिया, सतमार्ग पे चल गए, और हमारे नारायण हरि ने शिक्षा बन के शिक्षा दी है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है तो क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहेंगे कि नारायण साकार हरि उन्हें ऐसी सजा दे जो कभी मनुष्य योनि ना मिले, पशु योनि में ही भूखे रहे वो, कभी जीवन में वो सुख प्राप्त नहीं करेंगे। क्या कहेंगे महाराज जी? नहीं करेंगे सुख, वो प्राप्त होगा उनको सुख, कभी नरक के रास्ते पे जाएंगे। कभी आज तक हरि जी ने अपनी पूजा नहीं कराई, अपने संत भक्तों की पूजा कराई, नारायण हरि परमात्मा ने अपनी सारी अचल, जो चल अचल संपत्ति थी वो भी मानव सेवा ट्रस्ट के नाम कर दी, और यहाँ तक कि कह दिया कि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में पता कर सकते हैं। उनका हम अपनी वाणी से क्या वर्णन करें, पर जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका नाश नहीं सर्वनाश होगा। तभी तो बाढ़ आ रही, भूकंप आ रहे हैं, आंधी आ रही, देखो पानी इतना बह रहा है करनाल में, बद्री धाम में, नैनीताल में, उत्तराखंड में, जिन्हें क्या क्या हो रहा है, नाश नहीं सर्वनाश हो रहा है। हरि की लीला को पूरे ब्रह्मांड में ना कोई समझ पाया ना समझ पाएगा, और पूरे संसार में उनका खेल चल रहा है। जो सच्चे भक्त हैं वो डरे ना, हरि परमात्मा के वचन पे चलें, महामंत्र का उच्चारण करें, और हरि परमात्मा ने जो मानवता शिक्षा का पाठ पढ़ाया है हमें उस पर चलना। तो क्या कहेंगे चलते चलते? हाँ, नारायण सागर हरि जैसे पहले खुश थे वैसे ही अब खुश हैं। नारायण साकार जी को हमारे कोई रंजिश कोई गम नहीं है, जैसे पहले हंसते मुस्काते थे वैसे अब हंसते मुस्का रहे हैं। क्या कहेंगे धनी राम बाबा? भाई कहेंगे उन्हें कोई दोष नहीं है उनका, जिन्होंने किया उनका क्या होगा? उनका तो सर्वनाश होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए। जय जय प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। जय जयकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। उनकी जय जयकार। सत्संग जी अब भी है, अब जब तक संसार ब्रह्मांड रहेगा तब तक उनकी संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार बनी रहेगी नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। जय जय जयकार हो। जय जयकार नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा संसार मेरे ही परमात्मा ने बनाया, उनके सिवाय संसार में कोई अपना नहीं, जगत एक सपना, हरि का नाम अपना, चारों तरफ देखी तो हरी भरी वादियाँ, हरे भरे पेड़, नदी, नाव में बैठी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये पल ये सेकंड लौट के नहीं आएंगे साथ संगत जी, जीवन में हमेशा साकार हरि परमात्मा का नाम लेते रहें, परमात्मा का गुणगान करते रहें, उनकी सेवा इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है। जैसे नाव आगे चलती जा रही थी तो बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा लग रहा था, सत्संग जी मन एकदम खुश हो रहा था।
क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। तुम हरि जी के चरणों में कहीं क्या देखा आपने? मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया है। परमात्मा के दरबार में कोई छल कपट झूठ बेईमानी कुछ नहीं है, पर जिन लोगों ने ऐसा किया उनका क्या होगा? उनके सर्वनाश होगा और कहीं रास्ता नहीं पाएंगे, कहीं रहने ठिकान नहीं पाएंगे, दुनिया में कहीं उनका भला नहीं होगा, कीड़े पड़ पड़ के उनकी मौतें होंगी, बड़े बड़े नरक कुंडों में जाएंगे। तो हरि जी कैसे लगते हैं आपको बहन जी? हमको बहुत प्यारे लगते हैं। आपको दो चार बार हम सत्य के साथ में करौली जयपुर और कई जगह ले गए, हरि जी के करोड़ों करोड़ों भैया बहन आते, कैसे लगता है वहाँ? प्यार प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे, हमारा तो आने का मन भी नहीं करता था वहाँ से। हरि जी की वाणी सुनती हूँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से सुनती हूँ। हरि परमात्मा के जैसे दरबार कहीं दुनिया में और देखा नहीं जी, उनके जैसा दरबार कहीं दुनिया में है नहीं जी। और जिन लोगों ने ऐसा किया उनका क्या होगा? उनके सर्वनाश होगा। उनके दरबार में कोई चढ़ावा, फूल, दिया, धूप बत्ती, सोना चांदी कुछ लेते हैं? नहीं जी। वो तो हरि जी देने वाले हैं ना, तो आप क्या कहोगी मालिक के चरणों में? हम तो मालिक के चरणों में जाते हैं तो मालिक को मांगते हैं और किसी परमात्मा ही मिल जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरि जी मिले बस। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा।